बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साजिद इकबाल संधु मेरा नाम है और आज हम शिंक्यारी में मौजूद हैं जो कि मानसहरा के पास है। और यहाँ पे नेशनल टी एंड हाई वैल्यू क्रॉप्स उसका इंस्टीट्यूट के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ पे दूर दूर तक चाय के, टी के पौधे जो हैं, इसकी फसल जो है वो उगी हुई आपको नजर आ रही है। और इसमें अगर आप देखें तो आपको ये पौधे जो हैं दूर दूर तक बिल्कुल ग्रीन कलर में लहलहाते हुए नजर आते हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के जरी साइंसदान जो है वो माया नाज है और उनकी किसी किस्म की रिसर्च में कमी नहीं है। वो फसल जो कभी समझा जाता था कि पाकिस्तान से बाहर ही उगाई जाती है, श्रीलंका से या दूसरे मुल्कों से इम्पोर्ट की जाती है, आज ये पाकिस्तान में बड़ी कामयाबी से उगाई जा रही है और बड़े अरसे से उगाई जा रही है। तो अब वक्त इस बात का आ चुका है कि हम पाकिस्तान की जो टी की इम्पोर्ट्स हैं उसको गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक जो है उसको रिड्यूस करें, कम करें, लोकल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, अपने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो है उसको सपोर्ट करें, फंड्स दें उनको, उनके इदारों को, ताकि वो ऐसी किस्मों को यहाँ पे लेके आ सकें जिनका टी का टेस्ट जो है, जिनका जायका जो है वो यहाँ पे पसंद किया जाता है, उनकी ब्लेंडिंग की जाए, उनकी मशीनें लेके आई जाए। ये वो चाय है जिसके टॉप जो पत्ते हैं जिनको व्हाइट टी के अंदर कंसिडर किया जाता है और ये बड़ी महंगी फरोख्त होती है। उससे नीचे के जो पत्ते हैं उनको हमारी ब्लैक टी में इस्तेमाल किया जाता है और जो सबसे नीचे वाले पत्ते हैं उनको हम ग्रीन टी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन किस्म की चाय यहाँ पे तैयार की जा रही है, बहुत महंगे वाली, मॉडरेट वाली और जरा सस्ते वाली। तो तीनों किस्म की चाय शिंक्यारी में रिसर्च इंस्टीट्यूट में मौजूद है। वो तमाम लोग जो इस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, जो नॉलेज लेना चाहते हैं, वो इस इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ के साइंटिस्ट जो है बड़े हम्बल हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले हैं और बड़ी इंफॉर्मेशन देने में फराख दिल हैं। तो आप जब चाहें यहाँ पे आके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आइए हम सब मिलके पाकिस्तान को चाय की काश्त में खुद मुख्तार बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। ਨਾਮ ਬਲੀਦਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਨਾਮ ਬਲੀਦਾ।